दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 9 तारीख को गए हुए 2 दिन बीत चुके हैं। 9 तारीख को सुनवाई थी और आप सब जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और कौन सी तारीख लगी। मगर मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की, कि आज भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर 9 तारीख ही दिखा रहा है, कोई भी चेंजेज नहीं हुआ है। ये देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर हूँ। 2 जुलाई 2018, ये 9 तारीख से पहले की डेट थी और उसके बाद की डेट आप देखिए यहाँ पर, 9 जुलाई 2018, आज भी वो ही डेट दिखा रहा है जिस डेट को सुनवाई होनी थी। अभी तक यहाँ पर चेंज नहीं किया है, मगर घबराने की बात नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कौन सी तारीख लगी है अगली और सुप्रीम कोर्ट में 9 तारीख को क्या हुआ था। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। बस अभी तक वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट की तारीख चेंज नहीं की गई है, इसका क्या कारण है वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं खबर की ओर। पूरी खबर बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे एक इस तरह का लाल कलर का बटन आपको दिखाई देगा और बराबर में घंटे का निशान इस तरह का दिखाई देगा, उसको भी दबा दीजिए। इससे आपको फ़ायदा होगा कि जो भी वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड होगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, जो बिल्कुल फ्री है। तो आइए चलते हैं खबर। दोस्तों अभी अभी आपने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट देखी जिसके ऊपर अभी भी 9 जुलाई दिखा रहा है, जबकि आज 11 तारीख है और 2 जुलाई दिखा रहा है, जो 9 जुलाई से पहले सुनवाई हुई थी जिसमें 7 दिन बाद की डेट दे दी गई थी। और 9 जुलाई को सभी निवेशक एजेंट इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या है और वेबसाइट के ऊपर चेंज क्यों नहीं हो रही है डेट और अगली कौन सी तारीख लगी है। तो हमारे पास खबर आ चुकी है, हम आपको बताने जा रहे हैं। जरा गौर से सुनिए आखिर 9 जुलाई को क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जज भी उपस्थित थे और वकील साहब भी उपस्थित थे, मगर सुनवाई नहीं की गई। क्यों? क्योंकि हम आपको जानकारी दे देते हैं कि पीएसएल का केस सेबी और पीएसएल मैनेजमेंट यानी कि निर्मल सिंह भंगू के वकील और सेबी के वकील लड़ रहे हैं, और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये दोनों मिले हुए हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि तारीख 9 जुलाई से 20 अगस्त की कर दी गई है। जी हां, अगले महीने 20 अगस्त की। इतनी लंबी तारीख क्यों लगाई गई है इसका कुछ रीजन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कार्य तब होता है जब कोई दूसरी पार्टी ऑब्जेक्शन ना उठाए, और पार्टी एक सेबी है और एक पीएसएल मैनेजमेंट यानी निर्मल सिंह भंगू के वकील। अगर निर्मल सिंह भंगू के वकील ने तारीख इतनी लंबी लगवाई है तो ऑब्जेक्शन सेबी को करना चाहिए था, मगर ऑब्जेक्शन सेबी ने नहीं किया, क्योंकि पार्टी थी कर सकती थी मगर नहीं किया, क्योंकि दोनों की मिली जुली भगत है इसमें और दोनों मिलकर काम कर रही है। निवेशकों का बेवकूफ बनाया जा रहा है, मगर घबराने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, 20 अगस्त की तारीख लगी है पीएसएल प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, जो सीबीआई ने जब्त कर रखी है। एक एप्लीकेशन और डाली है, उस एप्लीकेशन में आपको 21,000 से बढ़ाकर 23,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पीएसएल 23,000 करोड़ रुपए देगी, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा कैसे कैसे देगी, और ये प्रपोजल है या कुछ करेक्शन है इसकी डिटेल मैं इससे अगली वीडियो में दे दूंगा। आप इससे अगली वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि 9 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी उसका क्या हुआ। कहीं पर भी यूट्यूब पर आपको दिखाई नहीं देगा कि 20 अगस्त की डेट लग चुकी है। ये डेट सिर्फ लापरवाही के कारण लगी है, और लापरवाही है कि पीएसएल मैनेजमेंट को तो जरूरत ही नहीं है कि कोई ऑब्जेक्शन उठाए, क्योंकि जैसे निर्मल सिंह मंगू चाहता है ऐसे ही तारीख बढ़वा दी जाती है। और सेबी को चाहिए था यहाँ पर कि निवेशकों के मत को रखे, निवेशकों की तरफ से जो लड़ा जा रहा है, निवेश को पैसे दिलवाने के लिए जो लड़ा जा रहा है, उनकी बातों को ध्यान में रखा जाए। मगर मैं आपको बता देता हूं कि सेबी और निर्मल सिंह भंगू बहुत अच्छी तरीके से घुले मिले हुए हैं। वे बिल्कुल नहीं चाहते निर्मल सिंह भंगू से बाहर रहना,
क्योंकि हो सकता है निर्मल सिंह मंगू ने बहुत मोटे पैसे दे रखे हो, इस वजह से पीएसएल निवेशकों का ध्यान नहीं है। और हम जज साहब से अनुरोध करते हैं कि इतनी लंबी तारीख ना दिया करें, क्योंकि पीएसएल निवेशक एजेंट हर एक तारीख पर आपसे उम्मीदें बंधाए रखते हैं कि आज कोई फैसला आएगा और उनको उनका पैसा मिल जाएगा। तो मैं आप सभी निवेशकों से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी अपनी एक ईमेल आईडी बनाइए। आपने पत्र व्यवहार कर लिया, आपने 34 पन्नों की एप्लीकेशन रजिस्ट्री कर लिया, आपका पैसा लगता है, आप एक ईमेल बनाइए। मैं अगली वीडियो में आपको ईमेल बनाना भी सिखा दूंगा, जिसे नहीं आता वो सीख लीजिएगा। और आपको एड्रेस भी दूंगा उन अलग अलग जगह के जहां पर आपको ईमेल करना। आप जज साहब को भी डायरेक्ट ईमेल कर सकते हो और कह सकते हो कि सर इतनी लंबी तारीख मत दिया करें, क्योंकि पीएसएल निवेशक 4 साल से परेशान घूम रहे हैं, उनको एक एक पैसे के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप हिम्मत मत हारना, भले ही निर्मल सिंह भंगू कितने भी जोर लगा ले, आपको ब्याज सहित एक एक पैसा मिल करके रहेगा। बस आपको एकता बनाए रखनी है, इस एकता को खंडित नहीं होने देना है। और मैं कुछ संगठनों से भी अनुरोध करता हूं कि यदि कोई संगठन पीएसएल का वाकई में पैसा दिलवाना चाहता है तो सच्चे दिल से दिलवाए, क्योंकि अभी मैंने आपको एक व्हाट्सएप वायरल फोटो दिखाया था जिसमें AISO के पृथ्वीराज सिंह यादव जी थे टीपी चिन्नी जी के साथ, और अरुण राय, किशन लाल और भैरव सिंह राजावत, ये सब इन लोगों के प्रॉपर्टी नाम है। सॉरी, मैंने पिछले जो फोटो थे उसमें भैरव सिंह शेखावत बोल दिया था, जबकि उनका नाम भैरव सिंह राजावत है और किशन लाल राजावत है, जिनके नाम प्रॉपर्टी है। और मैं आपको बता दूं, टीपी चिन्नी, इनके पास 10,000 करोड़ से 10,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, ज्यादा पैसे, और सारा पैसा पीएसएल निवेशकों का है। उसी से ही इन्होंने कंपनियां खड़ी की है, जिसमें 32 कंपनी है। और इनको लेकर के AISO के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री से मिलने के लिए गए थे, शुक्ला जी से, और उनको पीएसएल के पैसा वापसी कराने पर जोर दिया गया था। मालूम नहीं अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, जबकि AISO एक मान्यता प्राप्त और बड़ा संगठन है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को इन लोगों को साथ लेकर नहीं जाना चाहिए था। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके लिए हम माफी मांगते हैं कि भैरव सिंह राजावत के स्थान पर हमारे मुख से भैरव सिंह शेखावत बोला गया, तो शेखावत नहीं था, राजावत था। मैं फिर करेक्शन करता हूं। तो सिर्फ अब आपको ये जांच लेना है कि AISO जो पृथ्वीराज सिंह जी उन्हें लेकर गए थे, क्या वो अभी की फोटो है या कुछ समय पुरानी है, और क्या है, कोई AISO से हो तो इस बात का खंडन जरूर करे। आखिर क्या मैटर है, उनको साथ लेकर क्यों जाया गया है, जो पीएसएल की प्रॉपर्टी दबाए हुए है, जो हमारे निवेशकों के खून पसीने की प्रॉपर्टी दबाए हुए है, उन्हीं के कारण तो हमें पैसा नहीं मिल रहा, और उन्हीं को साथ ले जाया जा रहा है। शायद पुलिस से बचाने का तरीका है, क्योंकि 34 पन्नों की एप्लीकेशन जगह जगह जा चुकी है, अब उनकी धरपकड़ होने वाली है, इस वजह से ही रास्ता खोजना शुरू कर दिया है। या फिर वित्त मंत्री से मिलने का ये हो सकता है इरादा कि भंगू को कहा गया हो कि आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, और सेबी ही पैसा देगी, RM लोढ़ा से हम दबाव दबवाएंगे सेबी के ऊपर, और प्रॉपर्टी बेचकर ही सेबी निवेशकों का पैसा देगी और वो औने पौने दामों में इधर उधर कर देगी। तो ऐसा भी प्लान चल रहा हो सकता है, हमें पूरे कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा भी मन में हो सकता है, क्योंकि अंदर की बात तो समय आने पर ही पता चलेगी। तो हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप सब एकत्र हो और अच्छे संगठन को चुने, और इस बात का खंडन करवाए किसी से कि जो पृथ्वीराज जी उनको लेकर गए थे तो क्यों गए थे, उनका क्या मतलब था उनके साथ। जब AISO संगठन कहता है कि हम पीएसएल निवेशकों के साथ है, तो फिर उन चोरों के साथ क्यों है जो प्रॉपर्टी दबाए हुए बैठे हैं, पीएसएल के निवेशकों की खून पसीने की प्रॉपर्टी है, आखिर क्यों उन्हें लेकर गए थे, ये जवाब हमें दे। आप कमेंट्स बॉक्स करें, कोई AISO संगठन से आपका जानकार हो तो उनसे मिले, उनसे ये सवाल पूछे और हमें बताएं। तो दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों आप जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हमारे इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए।